نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد آمين يا رب العالمين آج هم شروع کریں گے کی بک کے پیج 59 پر کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء غير محدود ہیں ये हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और ये अल्लाह ताला की सिफात के बारे में एक अहम तरीन प्रिंसिपल है अहम तरीन कायदा है कि हमें ये हमारा बिलीफ है कि अस्माए हुसन किसी शुमार में नहीं आते और ना ही कोई इनकी तादाद की हदबंदी अल्लाह ताला ने क़ुरान में की और ना ही रसोल्ला सल वसम ने अदीस में की हज़रत आयशा तायशा सिद्दीक का रदील तह बयान फ़रमाती हैं कि मैंने रसुल्ल वम को बिस्तर पर ना पाया मैंने तलाश किया तो मेरा हाथ आपली वसम के कदम मुबारक को लगा आपली वसम मस्जिद में थे और कदम मुबारक सजदा में होने की वजह से खड़े हुए थे यानी जैसे सजदे की हालत में पाँव खड़े होते हैं न और आप सल्ह वसम कह रहे थे अल्लाहआउजा का मिन सहतिक वे मुआफ़ाति काबत व आउज बनाई कामाई तलाफ सिक मुस्लिम की रिवायत है ए मेरे मैं तेरी रजा के साथ तेरी नाराजी से पनाह मांगता हूँ और तेरी सजा से तेरी आफियत चाहता हूँ और तेरी ही पनाह चाहता हूँ मैं तेरी सना बिल्कुल नहीं कर सकता जिस तरह तूने अपनी सना की है यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यहला दी कि अल्लाह ताला की सना हो नहीं सकती यानी शुमार नहीं हो सकती कि जितना हक़ है उसकी सना का हम इहाता नहीं कर सकते उसकी सना का चाहे हम कितनी भी कर लें चाहे हम दिन रात सुबह शाम सुबहानल्ला व भी हमदेही सुबहानल्लाजीम पढ़ें हम फिर भी अहाता नहीं कर सकते इसीलिए हमें आप देखिए कि इस तरह की दुआएं सिखा दी गई हैं सुबहानल्ला व भी हमदेही आदाद ख़ल़ी ही वरिदा नफसी ही व ज़िनतः अरशी ही व मद कलीमात ही यानि इस किस्म की कि जिन में हमें पता चले कि हम ये कह रहे हैं कि या अल्लाह जितना तेरे अर्श का वजन है या अल्लाह जितने तेरे कलिमत हैं और वो तो इन्फिनट तो लिहाजा अल्लाह सुबहान हमदो सना भी जो है वो भी इनफिनिट है फिर इसी तरह से जब वो हदीस है कि जिसमें रोजे क़यामत लोग मारे मारे फिरेंगे पहले आदम सलाम के पास जाएंगे फिर नू आम के पास वो इब्राहिम के पास भेजेंगे वो मूसा ईसा और ईसा फिर नबी अलैहि वसल्लम की तरफ भेजेंगे और बिल आखिर लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे कि या रसूल अल्लाह से कहिए अल्लाह से गुजारिश कीजिए दुआ कीजिए कि हमारा हिसाब शुरू कर दे चाहे फिर हमें दो में डाल दे क्योंकि ये जो इंतज़ार की घड़ियाँ हैं ये अब हमारे लिए कतिल बनी हुई हैं तो आखिर में नबी सल्ह व्म इंसानों की सिफारिश करेंगे और उस तवील हदीस में आता है कि रसोल्ला सल्ला वसम ने फ़रमायाफ्त मिद ही वसन सना ही शैन लम यफ्त हुदिन कबली अल्लाह मेरे लिए महामिद यानी हमद के अल्फाज और अपनी सना के वो दरवाज़े खोलेगा जो मुझसे पहले उसने किसी पर नहीं खोले थे यानी ऐसी सना कि जो इस दुनिया में हमें समेत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी को पता ही नहीं कि ऐसी भी सना हो सकती है फिर इसी तरह से एक और हदीस भी इस बात पर दलील है कि रसो अल्लाह तस्मा सफ़ात हैं वो इनफिनिट हैं और कुछ ऐसे भी हैं कि जो किताब सुन्नत में मौजूद नहीं हैं कि अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिन मसूद की रवायत है कि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी किसी बंदे पर कोई गम या परेशानी आए और यह आप तजर्बा करके देखिए कि अगर आप एंजाइटी या किसी डिस्ट्रेस का या किसी गम परेशानी दुख तकलीफ़ का शिकार हैं चाहे वो कोई हजन मलाल आपके किसी इर्द गिर्द के या अपने किसी पर्सनल मैटर का है और चाहे वो किसी इंसान की कही हुई किसी बात से वो इनिशिएट हुआ है हर चीज़ जो है वो इस दुआ से ऐसे अपने ठिकाने पर आएगी और ऐसे जैसे किसी ने मरहम रख दिया हो और वो मरहम जो है वो बड़ा कारगर मरहम हो तो वो ये कहे अल्लाम इन्नी अब दुख वबन अब दिख वबन अम मादिन फ़ी عدل في يقداؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربي قلبي، ونور الصدري وجلاء حزني، وذهاب همي. النبي طيب صلى الله عليه وسلم إلا أذهب الله हम महूँ वसन हूँ व अबलहू मकान फ़रा हन सुबहानल्ला मुस्द अहमद की हदीस है कि अय मेरे अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ और तेरे बंदे का बेटा हूँ और तेरी बंदी का बेटा हूँ मेरी पेशानी तेरे हाथ में है मेरे बारे में तेरा हुक्म जारी होने वाला है मेरे बारे में तेरा फैसला अदल का है मैं तेरे हर इसम के साथ जिसके साथ तू ने अपना नाम रखा है सवाल करता हूँ या तूने उसे अपनी किताब में नाजिल किया है या मखलूक़ में से किसी को सिखाया है और या तूने उसे अपने इल्म गैब में ही रखा है और ये है दलील इस बात की कि अल्लाह ताला के कई ऐसे नाम हैं कि जिनका आज अभी हमें पता ही नहीं है और कुरान के अलावा भी नाम हैं जो आज भी मौजूद हैं जो हदीस से हमें पता चलते हैं और दुआ की क्या जाती है और ग़म जाता कैसे है ये कि तू कुरान को मेरे दिल की बहार बना दे मेरे सीने का नूर बना दे और मेरे ग़म का का जिला बना दे और मेरी परेशानी दूर करने वाला बना दे तो अल्लाह ताला उसके ग़म दूर कर देता है और उसकी जगह फरहत और मसरत पैदा कर देता है और ये अल्लाह ताला का वादा है इमाम इब्न क़ैम रहमल का कौल है कि अल्लाह सुबहान व तआला के नाम तीन अकसाम पर मुश्तमिल हैं एक किस्म यह है कि जो उसने अपनी ज़ात का नाम रखा है और जिसके लिए चाहा उसका इजहार फरमाया चाहे फरिश्तों के सामने बयान किया और किताब में ना उतारा दूसरी किस्म वो है कि जिसको किताब में नाजिल किया और बंदों को उसकी पहचान कराई और तीसरी वो है कि जो जिसे अपने गैब में रखा और मखलूक में से किसी को भी उस पर मुतले नहीं किया ठीक है इबन कैम के मुताबिक वो कहते हैं कि एक वो है जिसका अल्लाह को पता है और फरिश्तों को भी पता है एक नाम वो है कि जिसको अल्लाह ताला ने इंसानों को भी बताया है कुरान और हदीस के ज़रिए से और एक वो है कि जो फरिश्तों को भी नहीं पता किसी मखलूक को नहीं पता और वो अल्लाह ताला के अपने इल्मैब में है अब यह दलाइल जो हैं ये वाज तौर पर बता रहे हैं कि असमाय हसना की तादाद मत नहीं है और हदबंदी नहीं है फिर वो हदीस जैसे इमाम बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है कि नबी अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह के नन्ानवे नाम हैं जो उन्हें शुमार करता है वो जन्नत में दाखिल होगा तो ये जो हदीस है क्या ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला के सिर्फ़ नन्नवे नाम हैं या सिर्फ़ ये बता रही है कि अगर कोई इतनी तादाद में इलाही को शुमार कर लेता है यानी इतनी तादाद में इलाही की पहचान कर लेता है मारिफत हासिल कर लेता है इतनी तादाद में अल्लाह ताला की अस्मा सिफात के आ, को जान कर उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाल लेता है तो ये चीज़ उसके लिए जन्नत में दाखिले का सबब बनेगी इसका ये कहीं से भी मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला के सिर्फ निन्यानवे नाम है ठीक है और ये जो है ना मन आसाहा इसका ये मतलब नहीं है कि जिसने बस इनको गिन लिया तो वो जन्नत में जाएगा इस तरह का कलाम जो है अरब में इस्तेमाल हुआ करता था मसलन एक आदमी कहता है कि मेरे पास निन्यानवे दिरहम हैं जिन्हें मैंने सदका के लिए गिन रखा है तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि उसके पास सिर्फ निन्यानवे दिरहम हैं उसके पास कई और हो सकते हैं हजारों लाखों हो सकते हैं लेकिन नन्ानवे उसने गिनकर अलग रखे हुए हैं और ये जो बात है कि अल्लाह ताला के नाम गैर महदूद हैं ऐसी चीज है ये कि जिस पर किसी भी आलम दीन को इख्तलाफ नहीं है इमाम नबी रह फरमाते हैं कि इस बात पर सब सबाए कराम का इत्तेफाक है कि इस हदीस में व तआला के नामों का जिक्र है वो इसलिए नहीं है कि ये सिर्फ इतने ही नाम हैं। हदीस का मकसद ये है कि ये निनानवे नाम जो शुमार करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा और इस हदीस में जो दुआ ऊपर मजकूर हुई है यही है कि जिस इसम को तूने अपने नाम के तौर पर चुना है या अपने पास गैब में नकल किया है जो दूसरी दुआ हमने पढ़ी है तो उससे तो साफ पता चलता है कि अस्माए हुसन की तादाद जो है वो मुन नहीं है और बाद स्कॉलर्स ने कहा है कि अल्लाह ताला के हजार नाम हैं लेकिन इब्ने अरबी कहते हैं कि ये तो थोड़े हैं अल्लाह के अस्माए ग्रामी तो इससे भी ज्यादा हैं और शेख उम इबन तहमिया का भी यही मौकफ़ है कि और जमहूर यानी मेजॉरिटी का यही मौक़ है कि निनवे नाम जो हैं वो ये है कि इतने सीख लो ऐट अल्लाह की इतनी मारफत हासिल कर लो जितनी नाइनटी नाइन नेम्स के जरिए से हासिल होगी वरना अल्लाह के नाम तो बेशुमार हैं <coughs> फिर अगली बात जो है वो ये है कि असमाय हसन का जो आ, लिमिटेड होना है नाइन्टी नाइन पर इसके बारे में यानी वो जो 99 नाम निकाले गए हैं बाज अहादीस में तो वो अदीस जो हैं वो ज़यीफ़ हैं ठीक है लेकिन उसके बाद फिर हमारे बहुत सेमा ने जैसे सुफियान बिन उना ने और इसी तरह से इमाम अहमद ने और फिर आज के दौर में शेख हुसैम रह ने शेख बाज़ रहम्ह ने नन्नवे नाम शुमार करके एक लिस्ट बनाई है और ये वो ज़रूरी नहीं है कि ये वही नाइनटी नाइन हों जो एक ज़ीफ़ हदीस में हमें मिलते हैं बल्कि ये डिफरेंट डिफ़रेंट लोगों की थोड़े से फ़र्क के साथ हैं मसलन कुछ ऐसे नाम के जो हदीस में आते हैं कुरान में नहीं है हम लोगों ने ज़रा कम कम सुने हुए हैं बाज़ लिस्ट में आपको वो भी नज़र आएंगे मसलन अलह यू आपको नज़र आएगा एक तो है न्हाई यू वो है ज़िंदा एक है अहई यू हया करता है अल्लाह ताला हया करता है किस बात से कि जब बंदा हाथ उठाकर उससे दुआएं मांगे तो उसको खाली हाथ लौटाने से अल्लाह ताला हया करता है फिर इसी तरह से अल्लाह ताला का एक और नाम है अस्तिर अस्तिर ढांप देने वाला सतर कर देने वाला यानी इंसान की खताओं को ढांप देने वाला उनकी तशहर ना करने वाला फिर अल्लाह ताला का एक और नाम है अद्दान ये भी हदीस में पता चलता है कि अल्लाह ताला बदला देने वाला है अल्लाह जमीलबल जमाल जमील भी अल्लाह तला का एक नाम है सिफाती नाम और ये भी कुरान में नहीं है और इसका मतलब है कि अल्लाह तूबसूरत हैसन व जमाल वाले हैं अच्छा अब ये है कि ये जो जन्नत का हकदार बनने के लिए ये कहा गया है मन अहसाहा दखल अल जन्ना तो अहसाहा से मुराद क्या है क्या इससे मुराद ये है कि हम आ, कोई से भी नाइन्टी नेम्स का सपोज हम सेट ले ले लेते हैं तो क्या उस सेट को जब हम रोज़ाना उस 99 नाइन नेम्स का हम तस्वीर की तरह वर्द कर लेते हैं चाहे काम करते करते कर लें चाहे बेध्यानी में करें तो क्या वही काफ़ी है इस वादे को पूरा होने के लिए दखल अल जन्ना वाले को तो बात यह है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला के नामों को रोज़ाना अगर आप दोहरा लेते हैं तो ये एक बड़ा फजीलत वाला अमल है लेकिन इसी बात को इस तरह से बना लेना कि उसके कोई मखसूस औक़ात बना लिए जाएं उसकी कोई मखसूस तादाद बना ली जाए उसको किसी मखसूस नमाज या वक्त पर उसको उसकी तखसीस कर ली जाए तो आ, असल हकीकत यह है कि विरद चाहे आप ना भी करें लेकिन अगर आप उसके माने को समझें और उसके तकाज़ों के मुताबिक अपने अमल को ढालें तो ये है असल वो काम जो मन असाह में जिसका इशारा हुआ है और यही है असल काम जो इंसान के जन्नत में दाखले का सबब बनेगा इसमें एक असलाफ में से किसी का कॉल है कि असमाय हुसना और सिफात उलिया यानी अल्लाह सुबहान तफा की सिफात की पूरी मार्फत के जिसकी बिना पर जिक्र दुआ करने वाला नबी बिशारत का मुस्तक ठहरता है वो इन सिफात की सही मार्फत और इन में छुपे फ़वाद और हक़ के सही इदराक में छुपी हुई है लिहाजा जो शख्स इससे बेबहरा होगा उससे इन सिफात का इदराक हो ही नहीं सकता और ना ही उनका विद यानी उनको बार बार रटे रटाए तरीके से पढ़ने से उसे कोई फ़ायदा हासिल होता है ये इमाम इबिन हजर रसकलानी ने इसको फतहुलबारी में लिखा है तो इस बात का मतलब यह है कि ये जो हमें कहा गया है ना अल्समा उदिहा के अल्लाह ताला के हैं सारे खूबसूरत नाम अल्लाह ताला को पुकारो उसके उन नामों से तो आपको किसी स्टेज पर जिंदगी में किसी वक्त पर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आपको पता होना चाहिए कि फला चीज़ जो है वो अल्लाह ताला की मुझे फला नाम से मैं अल्लाह को पुकारूं फला सिफ़ाती नाम से मैं अल्लाह को पुकारूं तो मेरी दुआ कबूल होने के चांसेस ज़्यादा हैं मसलन बाज़लमा ने कहा है कि अल्लाह ताला का एक नाम है अल जब्बार, बज़ोर अपना हुक्म नाफिस करने वाला तो अगर आपका कोई जायज़ काम कहीं बड़ा अटका हुआ है और आपका सीधा होकर ही नहीं दे रहा है और मुश्किल पे मुश्किल आ रही है तो आप अल्लाह ताला को उसके जब्बार की सिफ से पुकारें या जब्बार इसी तरह से जो हमें सजदे में भी एक दुआ सिखाई जाती है सुबह नजिल जबरू वल वलमलकूती वल किबरियामा तो लिहाजा अलाम इब्ने क़य्यम रहम् ने अपनी किताब फवाइद में जिक्र किया है कि अल्लाह के आसमाय हुस्ना शुमार करने के लिए तीन मरातब हैं तीन लेवल्स हैं और उनकी तकमील के बाद बंदा ये जो हदीस है ना दखल अल जन्ना वाली उसके सवाब का हकदार हो सकता है पहला मर्तबा पहला लेवल उनके अल्फाज को शुमार करना आपको पता तो हो कि अल्लाह के ये नाम है तो इस लिहाज से फिर वो नामों की एक लिस्ट अगर मेमोराइज कर ली जाए तो एटलीस्ट एटलीस्ट आपको पता तो है ना कि ये सारे नाम हैं मेरे रब के दूसरा मर्तबा दूसरा लेवल जो है वो ये है कि उनके नामों के मानी को समझना और तीसरा मर्तबा ये है कि उन मानी को समझने के बाद उन नामों के जरिए से अल्लाह से दुआ करना ठीक है फिर एक और जो आ, हमारा अकीदा है असमायसन के बारे में वो ये है कि अल्लाह ताला ने जो अपने इसमाय हसन बयान फरमाए हैं हम उनको बग़ैर तहरीफ किए कि उनको तब्दील करें या ये कि हम उनकी तमसील करें फॉर एग्जांपल हम ये कहें कि जैसे बादशाह को हरकारों की ज़रूरत होती है वजीरों की ज़रूरत होती है तो इस तरह नाउज़बिल्ला हम कहें कि अल्लाह को मलाइका की ज़रूरत है नाउज़बिल्ला और इसी तरह से हम किसी किस्म का भी उसके नामों में से असमाऊ सिफात में से जो कुरान हदीस से प्रूवन है हम किसी को निकालने की कोशिश करें मसलन बाज़ फ़िरकों ने कहा कि अल्लाह ताला मुज़ल नहीं हो सकता अकबार नहीं हो सकता यानी जिल्लत देने वाला या नुकसान पहुंचाने वाला नहीं हो सकता तो ये सब इहद है इसी को कहा गया है गलती कजरवी ख़ता इहराफ और समझने में गुमराही है और इससे हमें बचना चाहिए फिर इसी तरह से बाज़ ये जो साहिब किताब हैं इनके ख्याल में यह भी है और कोई गलत बात नहीं कही उन्होंने वो कहते हैं कि एक गलती अल्लाह के नामों के बारे में यह भी है कि इनको तावीज़ और हिरज जान बनाकर गाड़ियों और घरों में लटका लेना ताकि नज़र बद और हसद से हिफाजत रहे ये गैर मसनून अमल है सुन्नत से साबित नहीं बल्कि सुन्नत के दलाइल ऐसे अमाल से रोकते हैं हम आजमायसना की खूबसूरत तरीन कैलीग्राफी इस तरह कर लें कि वो लाखों में आप खरीद के ला के लोगों के ड्राइंग रूम्स में मैंने लगी हुई देखी हैं और इस तरह लिखा हुआ कि वो नजर समझ भी नहीं आ रहा होता कि क्या लिखा हुआ है और वो लाखों का होता है और वो लटका हुआ होता है पड़ा हुआ होता है उसके ऊपर दीवार के ऊपर सजा हुआ होता है और वहाँ पर कोई भी काम ऐसा हो सकता है उन ड्राइंग रूम्स में कि जो उस रहमान के गुस्से को हवा देता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मन तमीम तमीमतन फ़ला आतमल्ला जिसने तमीमा बांधा यानी वो जो एक तावीज़ होता है तो अल्लाह ताला उसकी हाजत ना पूरी करे तो फिर इसी तरह से इन खताओं में अल्लाह ताला के नामों के हवाले से खताओं में एक खता ये भी है कि असमाय हसना खूबसूरत लोह में रखते हैं दीवारों की ज़ीनत बनाते हैं मजालिस को मुजयन अशकाल और खुशनुमा खतूत के ज़रिए जमाल आरा करते हैं यानी इसी तरह के जैसे आपके किसी कार्ड के ऊपर या किसी ख़त के ऊपर या इस तरह लिखा है और फिर उसके बाद उन कागज़ों की बाजात बेअबी भी हो रही होती है तो ये काम जो है ये हमें नहीं करने चाहिए और करने का काम ये है कि हम अल्लाह ताला के नामों की मार्फत हासिल करें और अल्लाह को उन नामों से पुकारें और फिर वो कहते हैं कि इनके बारे में ये खताबी की जाती है कि जिससे इलाही की हरमत बरकरार नहीं रहती और ना ही उसका पास और लिहाज रहता है हालांकि अल्लाह के साथ मखसूस नामों के साथ नाम रखने की ममानियत है यानी हम लोगों के नाम रख देते हैं रहमान नाम रख देते हैं रहीम नाम रख देते हैं और फिर एक और ख़ता जो हमसे आज कल सरजद होती है और ये ताज़ीम के मनाफी है और वो ये है कि कागज़ों में किताबों में अखबारों में जब ये अस्माई इलाही दर्ज होते हैं फिर उन्हें ज़मीन पर फेंका जाता है कूड़े करकट के मकाम पर डाला जाता है जबकि नबी अलैहि वसल्लम की एहतियात क्या थी कि बैतुलखला में होने की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब नहीं दिया आप इतना ज़्यादा इसमें इलाही का एहतराम फरमाते थे तो लिहाजा अल्लाह के नामों में इलाहाद के जो मुख्तलिफ लेवल्स और मुख्तलिफ हमने तरीके देखे इनसे बचना चाहिए इनको अवॉइड करना चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी गुनाह के मरतकब हो जाए फिर एक और बड़ी लतीीफ़ बात लतीफ़ नुक़ा और वो ये है के असमाय हुसन और सिफात इलाही में फजाइल का फ़र्क है कोई नाम ज्यादा फजीलत वाला है बनस्बत दूसरे नाम के और फॉर uh, एग्ज़ाम्पल अल्लाह अल्लाह जो नाम है इसका कोई भी सानी नहीं है अल्लाह ताला के सारे सिफाती नामों में से इमाम अबिन तयिया कहते हैं कि जो ये कहता है कि इन में फ़र्क नहीं उसका कौल बेदलील है अल्लाह के आसमाय हुसन और उसकी सिफात फजाइल में कम और ज्यादा है और इस पर किताब सुन्नत और इजमा के साथ साथ अक्ल दानिश भी दलालत करते हैं आप देखें कि अल्लाह का जो लफ्स है आप ला इलाहा अला पढ़ते हैं तो आप कलमा गो हो जाते हैं ठीक है फिर इसी तरह से आग, अगर आपका मरने से पहले आखिरी अल्फाज ये हुए ला अल्लाह का लफ्ज़ अल्लाह का नाम अगर आप ले पाए मरने से पहले दखल अल ज़न्ना मन का ना आखिर कलाम ही ला अला दखल अल जन्ना वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा फिर इसी तरह से जिसको बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन्स और डाउट्स आ रहे होते हैं तो उसको कहा जाता है कि आप कसरत से ला इल्लल्लाह इला पढ़ा करें और बहुत से लोगों का ये देखा गया है कि जब उन्होंने ये किया तो उनके डाउट्स और उनकी जो कन्फ्यूजन्स थी वो दूर हो गई अच्छा इसी तरह से अनस बिन मालिक عنه बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को सुना वो कह रहा था अल्लास का

और जलालत और करामत वाला है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये दुआ करते किसी शख्स को सुना तो आपने फ़रमाया तूने अल्लाह के इसम आज़म के साथ सवाल किया है जब इसके साथ दुआ की जाए तो वो कबूल करता है और जब उसके साथ उससे मांगा जाए तो वो देता है ठीक है तो इसमें भी नबी अलैहि वसल्लम ने इसम आज़म का ज़िक्र किया इसी तरह एक और हदीस है के या हयू या कयूम ए ज़िंदा और कायम रहने वाले या हयू या कयूम ए जिंदा ए कायम रहने वाले और ये जो हैं ये बिला शुबा इन दोनों नामों की एक ख़ास फजीलत है बहुत अज़मत वाले ये नाम हैं सईदना अबू उमामा रदी लानु ने बयान किया है कि रसोल स फ़रमाया अ का इसमें आज़म वो है कि जिसके साथ दुआ की जाए तो वो कबूल करता है और वो क़ुरान पाक की तीन सूरतों बकरा आले इमरान और ताहा में है और वो कौन सा है अल-बकरा में अल-कुर्सी में अल्ला हयलम इसी तरह से आले इमरान में क्या है अल्फ़्लामीम अल्लाक़यम और सूर्त कहा में क्या है व वजूहु लिल वनतूहुल क्यूम झुक जाएंगे चेहरे उस दिन उस हैय क्यूम के आगे तो कॉमन इन तीनों सूरतों में कौन से नाम है कौन सा पेयर है अल अलहुल्कयम तो लिहाजा ये एक बहुत बड़ा एक कंटेस्टेंट है इसमें आज़म होने का अल अल अल्कयम फिर इसके अलावा भी इसमें आज़म हो सकते हैं अस्माब بنت तजीद बयान करती हैं कि नबी अकरम अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अल्लाह का इसम आज़म इन दो आयात में है व्लाकुम वा वाहिद ला अलामरिम और दूसरा और सूरा आल इमरान के शुरू में है अल्लाह अल्लाक्म यानी सूरतलफ़ातहा में तो अर्रह्मान रहीम ही है ना तो लिहाजा एक और पेयर जो आपके सामने आया एज इसम आज़म वो क्या है अर्रह रहीम ठीक अल्हल्कयम ठीक है सबसे पहले अल्लाह अल्लाह के नाम से अल्लाम ए अल्लाह ए मेरे अल्लाह फिर नंबर टू الحي القيوم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ٹھیک ہے نمبر 3 الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم رحم مانگے اللہ سے وہ ضرور کرتا ہے پھر تھرڈ نمبر پہ یہ جو دعا ہے. جس کے اندر کیا ہے المنان بديع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام है? तो है, है? तो फरमाते है हैं कि इसमें आजम के तय में तकरीबन चालीस अकवाल है और इमाम सूती ने इसके बारे में एक किताब भी लिखी है लेकिन इस किताब को उल्मा ने कोई एक्सेप्ट नहीं किया और इसमें काफ़ी तकल्लुफ़ और मुबालगा आराई से काम लिया है इमाम सूती ने तो जो मैंने आपको एक वो ग्रेडिंग बताई है ना बस उस ग्रेडिंग को आप याद रखिए बहुत से जो हैं वो तो इसमें आज़म सिर्फ़ एक को कहते हैं और वो अल्लाह को कहते हैं वो कहते हैं क्योंकि अल्लाह की ज़ात की पहचान है अल्लाह तीन मखलूक को ये नाम रखने से मना फरमाया है और इससे भी मना फरमाया है कि कोई मबूद कहलवाए और अल्लाह ही ईमान की बुनियाद है इस्लाम का सतून है हक और कलमाय इखलास में अल्लाह ही का नाम इस्तेमाल हुआ है और इसी में शर्क की और गैर-अल्लाह की नफ़ी है फ़रज़ इस्लाम की अदायगी का आगाज़ इसी नाम से होता है ईमान भी इसी नाम से साबित होता है और इसी के साथ शैतान से पना तलब की जाती है इसी नाम के साथ कामों का अफ्ताह और इख्ताम होता है बाबरकत है उसका नाम जिसके सिवा कोई मबूद नहीं लिहाजा अल्लाह एक ऐसा इसमें करीम है कि जिसमें तमाम सिफाती नाम समाए हुए हैं तमाम सिफाती नाम और ख़ूबियाँ जो हैं वो अल्लाह के अंदर हैं ठीक है, है? लास्मा उलहसन अल्लाह के लिए हैं सारे आसमाय हसन यानी अजीज़ रहमान करीम कुदूस सब अल्लाह के सिफाती नाम हैं ये नहीं कहा जाता कि रहमान के नामों में है ये सब नाम बल्कि अल्लाह के नामों में है ये सब सिफाती नाम और फिर कुछ लोगों ने असमद अस को भी इसमें आज़म करार दिया है ठीक है और जब भी जो भी आपका अल्लाह ताला से आप देखें कि बच्चों को अपनी माँ से प्यार होता है कभी माँ कहते हैं कभी अम्मा कहते हैं कभी अम्मी कहते हैं कभी कोई और के और ही लाड में नाम दे रहे होते हैं तो अल्लाह ताला से इस तरह बात करें अल्लाह ताला को इस तरह पुकारें कि कभी आपको अल्लाह ताला की किसी सिफ्त की ओवरवेलमिंग कोई थॉट्स आ रही हैं तो उसको उस तरह पुकार लें या समद कहकर पुकार लें या खय या कयूम कहकर पुकार लें मेरे लिए या अल्लाह कहकर पुकार लें वो सुनेगा वो सुनता है और वो बहुत ज़्यादा सुनने वाला है बहुत दुआएं कबूल करने वाला है अब हम अल्लाह ताला के पहले नाम अल्लाह की थोड़ी वजाहत देख लेते हैं ये असल में अल-इलाह है अल-इलाह और अब देखिए कि अल्लाह के बाकी तमाम नाम है ना जैसे अर्रब है अर रहीम इनसे पहले अगर आप या लगाएंगे तो इनका अलिफ लाम हट जाता है या रहमान या रब या रहीम ऐसे हो जाता है लेकिन अल्लाह के साथ जब आप या लगाते हैं तो या इलाह नहीं बनाते आप उसको आप उसका अलिफ लाम कायम रहता है क्योंकि उसका जो ये प्रॉपर नाउन होना और अल्लाह ताला का ये उसकी एक ग्रैंडर की एक अलामत बताई जाती है कि उसका ये जो मारिफा का अलिफलाम है वो या के साथ भी नहीं हटता अब अल्लाह सुबहान के जो मरकजी नाम हैं वो तीन है उनमें सबसे टॉप पर अल्लाह और उसके साथ दो और नाम है अर रब और अर्रहमान ये तीन मुकदस नाम जो हैं ये बाकी तमाम असमाय हसना के मानी को अपने अंदर समेटे हुए हैं और मेन जो फोकल पॉइंट है वो अल्लाह है और अल्लाह उलूहियत वाली तोहिद को रिप्रजेंट करता है ये नाम उलूहियत क्या है यानी सारी इबादत के सब तरीके तमाम ईमानियात हर चीज आपकी अल्लाह के लिए होनी चाहिए और अर रब रब वो है जो पालता है नशो नुमा करता है तो रुबूबियत की तमाम सिफात कि अल्लाह ताला मुझे देगा अल्लाह मुझे रिस्क देगा अल्लाह ताला ग्रोथ करता है अल्लाह बच्चे की माँ के पेट के अंदर ग्रोथ करता है अल्लाह प्रोवाइड करता है प्रोविजन देता है प्लान करता है हिफाजत करता है तो ये सब ये जो है ये रबूबियत में आता है और तीसरे अर्रहमान आप देखें यही चीज़ें हैं न कि जिनकी एक मखलूक जो है वह बहुत ज़्यादा मोहताज है अर्रहमान अल्लाह ताला एहसान फरमाते हैं सख़ा फरमाते हैं इंसान के साथ नेकी करते हैं और ये तीनों नाम सुरत-ul-फातिहा में मौजूद हैं अल्लाह अर्रब और अर्रहमान, और इसीलिए कहा जाता है कि सुरत-ul-फातिहा कुरान है जब हम कहते हैं ना ईया के तो बेसिकली हम तोहीद उलूहियत का इकरार कर रहे होते हैं व ईया के हम हम तुझे से मदद चाहते हैं हमें अपने सारे टेंजिबल कामों में तेरी मदद चाहिए यह अल्ला तो ये है तोहद रुबूबियत और इसी तरह से जब हम अल्लाह ताला की हमदो सना करते हैं अल्हदल आलमीन तो उस वक्त हम अल्लाह ताला की रहमत की एक इकरार एक कर रहे होते हैं और उसकी रहमत की बिना पर उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और मेन जो अल्लाह ताला ने अपना नाम इस्तेमाल किया है वो यही है अल्लाह व लास्मा उलहसन फ़दा सूरत अलराफ वन एटी الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله نہیں کوئی معبود مگر وہی اسی کے لیے ہیں تمام أسماء حسنى طاها ایت هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं पोशीदा और जाहिर का जानने वाला है वो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं बादशाह हकीकी है पाक जात, हर ऐब से पाक सलामती अमन देने वाला निगेबान गालिब, ज़बरदस्त बड़ाई वाला खुदा उन लोगों के शरीक मुकर्र करने से पाक है वही अल्लाह तमाम मखलूक़ात का खालिक है ईजाद इफ्तिरा करने वाला यानि नए सिरे से बग़ैर मॉडल के बनाने वाला सूरतें बनाने वाला उसके सब अच्छे से अच्छे नाम हैं। जितनी चीज़ें आसमानों और ज़मीन में हैं, सब उसकी तस्वीर करती हैं और वो गालिब हमत वाला है फिर आप देखिए कि अल्लाह ही का नाम है कि जो हमारे मसनून असकार का एक लाजमी हिस्सा है ला इल्लल्लाह अल्लाह अकबर अलहमदल्ला सुबहान अल्लावलाब्ला बिल्ला हसबून अल्ला बसमिल्ला तमाम असकार तमाम के तमाम अस्कार जो हैं जब हम बोलते हैं तो लाज़िमन अल्लाह ताला का नाम हम लेते हैं तो हमारी ज़िंदगियों में अल्लाह का जो जिक्र है वो बहुत ज़्यादा रहना चाहिए इस नाम की बरकतें इंसान खुद महसूस करेगा और फिर इसी तरह ये कि ये कुरान में बाईस सौ मरतबा आया है और कोई भी नाम जो है वो इतनी तादाद में कुरान में नहीं आया और तैतीस आयात मुबारका तो इसी लफ्ज़ से शुरू होती हैं अलामा इब्ने कैम ने लफ्स अल्लाह की दस लफ्जी खसूसियात शुमार की हैं और जहाँ तक मानवी खसूसियात का ताल्लुक है तो इसके बारे में तो वो फरमाते हैं कि जब खल़ में सबसे ज़्यादा अल्लाह को जानने वाले यानी अल्लाह के सजदा सजदारेज़ होकर यह कह रहे हैं कि जिस तरह तूने अपनी सना की है मैं नहीं कर सकता तो फिर कोई दूसरा कैसे उनका इहाता कर सकता है लेकिन जो उन्होंने वैसे कुछ बातें की हैं बहुत खूबसूरत हैं मसलन वो कहते हैं कि ये नाम रखने वाला यानी अल्लाह हर कमाल हर तारीफ़ हर सना हर बुजुर्गी हर जलाल हर करम हर इज्जत हर जमाल हर खैर हर एहसान हर सखावत हर नेकी और हर फजल का सरच्मा है ये अल्लाह ताला का नाम कलील में आ जाए तो उसको कसीर बना देता है खौफ में उसे याद करें तो खौफ दूर हो जाता है परेशानी में इस नाम से उसको याद करें तो परेशानी खुल जाती है ग़म के वक्त लें तो ग़म दूर हो जाता है तंगी के वक्त याद करें तो तंगी खुल जाती है इसका ताल्लुक़ अगर जोफ से हो जाए यानी कमज़ोरी से हो जाए तो वो उसको कुव्वत में तब्दील कर देता है जलील में आ जाए तो वो इज़्ज़त पा जाता है फकीर में आ जाए तो वो गनी बन जाता है वहशत ज़दा में आ जाए तो वह उनस पा जाता है मगलूब में आ जाए तो यह उसकी मदद करता है लाचार में आ जाए तो उसकी तकलीफ़ दूर करता है हांके हुए मारा मारा फिरने वाले में आ जाए तो उसे पनाह देता है ये वो इसम है जिसके ज़रिए परेशानियां छटती हैं बरक़ात उतरती हैं दुआओं के नाले रहमत की बरखा बरसाते हैं उसके ज़रिए लफ्जिशें माफ होती हैं बुराइयां दूर होती हैं और निकियाँ हासिल होती हैं ये सब कुछ ये जो इतने ये जो असलाफ हैं ना ये हमारे बड़े बड़े जो आ, हैं इन्होंने बाकायदा इंसान की रूह पर एक ऐसी नब्ज के ऊपर हाथ रखा है और इस तरह उन्होंने मारिफत की बातें की हैं कि अक़ल दंग रह जाती है और ये जो अल्लाह की मारिफत की बात और अल्लाह ताला के नाम के ज़रिए से ये सब कुछ जो उन्होंने बताई है ना बातें ये तजर्बात की रोशनी में बताई हैं ये कोई यूं ही नहीं कि बस एक कोई ख्याल आया तो बस ये लिखने बैठ गए ऐसा नहीं है ये सब तजर्बात की रोशनी में है कि हाँ अल्लाह का नाम और अल्लाह को याद करने से क्या, क्या क्या कुछ नहीं हो सकता कैसे कैसे हालात नहीं तब्दील हो सकते आप देखें कि करब अजीम में करब अजीम में हमें क्या बोलने को कहा गया है ये नहीं कहा गया कि अल्लाह मेरा कर्ब दूर कर दे कहा गया है तुम कहा करो अल्लाह अल्ला रब्बी ला उशरिकु बिही शैया फिर इसी तरह से यूनुस अलैहि सलाम का जो कर्ब अज़ीम था उसमें उन्होंने किसको पुकारा था ला इलाहा इल्ला अंता सुबह नी कु मिन अल्लाह को बताया कि मेरा अला तू है सिर्फ मेरा अल्लाह तू है सिर्फ़ और नंबर टू अपनी ख़ता की इकरार कर लिया बस ये दो बातें की तो कैसे करबे अजीम से अल्लाह ताला ने उनको निकाला फिर इसी तरह से अल्लाह का जो लफ्स है ये आ, इसके मानी में ये भी है कि वो हस्ती जो हैरत में डाल दे ऐसे काम करे अल्लाह की ऐसी कुदरतें कि जो हैरत में डाल दें और उसके लिए इंसान को अपने इर्द गिर्द देखना होगा खोल आंख जमीन देख फलक देख फजा देख मशरक़ से उभरते हुए सूरज को जरा देख तो इंसान देखेगा और कि अल्लाह ताला की कायनात में कैसी कैसी उसकी, 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 उसकी कुदरतें हैं तो फिर इंसान ज़रूर उसकी मारिफत हासिल करेगा और ज़रूर उसको ही पुकारेगा और इबन अब्बा रदी फरमाते हैं कि अल्लाह उलोहीत और सारी मखलूक पर अबूदीत और बंदगी का हक रखने वाला है उलोहीत और अबूदियत दोनों का हक सिर्फ़ अल्लाह का है यानी जिस तरह से अल अलीम अगर हम अल्लाह को कहते हैं तो उसका मानी है कि अल्लाह इल्म वाला है अल-अजीज कहते हैं तो हमारा मानी होता है कि अल्लाह इज्जत गलबे वाला है हकीम अरीम सबके अपने अपने ख़ास और साफ़ हैं इसी तरह अल्लाह का व़फ़ ये है कि वो वाहिद इलाह है वो इलाह है और दूसरे ये कि जो कोई इस इसम के साथ वाबस्ता हो गया तो वो उसी की बंदगी करे वो उसको अपना रब मान ले वल फ़िस्माई इला व फिल अर्द इलाह। फिर मूसा सलाम को अल्लाह ने अपनी जो तारुफ कराया था सबसे पहला वो क्या था अनल्लाह ला इला 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 अना फ़ाबुदनी वकीमला जिक्री फिर इसी तरह से बामा अरसल ना मिन कबल का मिल रसूल अले अन्ला फ़ाबुदून तो इनशा अल्लाह के नामों का ना अहाता हो सकता है ना अल्लाह ताला के इस अस्माए गिरामी का इहाता हो सकता है लेकिन कुछ एक आ, एहसास ही अगर हमारे अंदर जाग जाए और उस हस्ती को पुकारना उस हस्ती से हया करना उस हस्ती के हकूक़ की अदायगी की कोशिश करना अगर वही एक जज्बा हमारे अंदर जाग जाए तो हम समझें कि हमने भी कुछ मार्फ़त अल्लाहन वत की हासिल कर ली बारक़ बार्लाफ़ी सुबह नबी हमदीका अरशदअल्लांताफ़िर का बतूब आलैक्